पेरेंट्स, ममता गोयल्स एजुकेशनल टिप्स वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, वैसे तो सभी माता पिता अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, परंतु यह भी देखने में आया है कि जाने अनजाने उनका तुलनात्मक वर्णन कर बैठते हैं। जैसे ये तो अपना सारा होमवर्क खुद कर लेती है, परंतु इसके साथ तो मुझे ही बैठना पड़ता है तभी कर पाता है अपना होमवर्क, या फिर इसके साथ खाना खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं पर इसको खाना खिलाने में तो मैं रो जाती हूँ। माता पिता का इस प्रकार का व्यवहार बच्चों को भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ने देता। जिस बच्चे को कम आंका जाता है उस बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो कि उसके मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास में बाधक बनता है। ऐसे बच्चे हर समय इस डर से ग्रसित रहते हैं कि पता नहीं मम्मी पापा किसके सामने उसकी बुराई का पिटारा खोल दे, अतः उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना कि हो सकता था। इसके विपरीत जिस बच्चे को मम्मी पापा हर समय अच्छा बताते हैं वह बच्चा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चे हर जगह अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने लगते हैं, जो कि उनके सामाजिक विकास में रुकावट बनता है। ऐसे बच्चों का दूसरे बच्चे उनके पीठ पीछे मजाक उड़ाने लगते हैं व उनके साथ बातें करना और खेलना भी पसंद नहीं करते। अक्सर ये भी देखने में आया है कि जो बच्चे परिवार में अकेले हैं उनका किसी पड़ोस के बच्चे से या किसी रिश्तेदार के बच्चे से तुलनात्मक वर्णन होने लगता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक बच्चा इस संसार में अपनी खूबी लेकर आता है और माता पिता के प्रोत्साहन से किसी भी फील्ड में चमत्कार कर सकता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।